आज हम पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला के बारे में कि के केमिकल फार्मूला क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं तो केमिकल फार्मूला इट कैन बी डिफाइंड एज हम इसकी तारीफ इस तरह कर सकते हैं दि सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मालिक्यूल आर अ कंपाउंड कॉल्ड केमिकल फार्मूला दि सिम्बोलिक यानी हम सिंबल्स हम अलामत से हम जाहिर करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मलिक्यूल किसी मालिक्यूल का हम जाहिर करते हैं अलामत से आर ए कंपाउंड को इस कॉल्ड केमिकल फार्मूला इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं और हम इसकी तारीफ इस तरह भी कर सकते हैं ए सेट ऑफ केमिकल सिम्बल्स ए सेट ऑफ केमिकल सिम्बल्स शोइंग द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड दर रिलेटिव प्रोपोर्शन, वो सेट ऑफ केमिकल सिम्बल्स का वो सेट केमिकल सिम्बल्स का जो कि एलिमेंट को जाहिर करता है इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड एंड आर रिलेटिव प्रोपोर्शन और इसके तनासब और इसके प्रोपोर्शन को भी जाहिर करता है उसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला तो केमिकल फार्मूला गिव इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल फार्मूला जो है वो हमें देता है केमिकल फार्मूला जो है वो हमें देता है इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड यानी जितने भी किस्म के एटम हो प्रेजेंट इन आ कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में मौजूद हो एंड द रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन आ कंपाउंड यानी रेशियो को भी हम ये केमिकल फार्मूला जाहिर करता है कि रेशियो जिस रेशियो से पाए जाते हैं उस रेशियो को भी जाहिर करता है एग्जाम्पल्स ऑफ तो एग्जाम्पल्स क्या है केमिकल फार्मूला के केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला जो है वो एन एन ओ थ्री है करते हैं ये इसका केमिकल फार्मूला है और केमिकल फार्मूला जो है ऑफ ग्लूकोज जो है वो जो है हमारे पास सी सिक्स एच ओ सिक्स है और इसके बाद हमारे पास केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है वो एच एन ओ थ्री है मिसाल यानी एटसेट्रा वाहरा वाहरा टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला कितने हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला फार्मूला के केमिकल फार्मूला के दो किस्में हैं एक जो है वो मलिकुलर फार्मूला है मलिकुलर फार्मूला जो है कैन बी डिफाइंड एज हम इसकी तारीफ कर सकते हैं द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स of each element present in one molecule of that compound is called molecular formula. the type of chemical formula jo ke actual, actually तौर पर show करता है atoms को पूरे तौर पर exact और actually तौर पर atoms को show करता है ही का molecules जो molecule में हो ही ना compound तो उसको हम कहते हैं molecular formula. हम इसकी दूसरी तरफ करते हैं और और जो है फार्मूला और फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन आ मलिक्यूल इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला या वो फार्मूला जो के हमें बताता है द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन मिलीक्यूल जो ईच एटम हर हर एटम जो है इन आ का वो एक्चुअल नंबर हमें बताता है उसको हम मालिक्यूलर फार्मूला कहते हैं मसलन ये हमारे पास एक का वो है मलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है एक कंपाउंड है इसके मलिक्यूल हैं और एटम्स जो हैं इसके ईच uh, एटम्स uh, uh, की तादाद हमें बताती है ये फार्मूला यानी इसमें सी सिक्स सिक्स ये जो है कार्बन जो है वो ट्वेल्व हाइड्रोजन्स के साथ और ऑक्सीजन जो है वो इसमें सिक्स जो है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होते हैं यानी ये मुकम्मल तौर पर हमें मलिकुलर फार्मूला हमें बताता है तो मलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन जो है वो सी सिक्स है एच सिक्स यानी एक्चुअल नंबर शो करता है जितने एट, एटम और मॉलिक्यूल्स की तादाद इस बेंजीन में है इसी तरह केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन जो है हमारे पास वो है सी टू एच टू एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं तो एम्फेरिकल फार्मूला जो है अ फार्मूला विच गिव द प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्चुअल नंबर इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला दूलाशन प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट जो कि हमें प्रोपोर्शन हमें तनासब हमें प्रोपोर्शन को सिर्फ बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट जो है इन कंपाउंड को हमें नहीं बताता वो सिर्फ हमें क्या बताता है प्रोपोर्शन को बताता है या इस कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला अच्छा तो दूसरी डिफिनेशन है हमारे पास दी फार्मूला विच शोज दी स्मोलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स आइंस इन आ कम्पाउंड इज कार्ड एम्पेरिकल फार्मूला यानी वो फार्मूला जो कि शो करते हैं हमें बताता है जो कि हमें बताता है दी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें छोटे से छोटा होल नंबर रेशियो जितना भी रेशियो है जितना भी तनासब है प्रपोर्शन uh, का पहले डिफिनेशन uh, में और रेशियो जो है ऑफ uh, यानी जितना भी तनासब है जितना भी रेशियो है एटम्सों का मालिक्यूलों में और फिर इन मालिक्यूलों का कंपाउंड्स में जितना भी रेशियो है उसको हमें बताता है ये इसमालेस से छोटे से छोटा रेशियो हमें बताता है कंपाउंड का वर्ड एम्पेरिकल जो है वर्ड इम्पेरिकल जो है वो इज़ मींस एक्सपेरिमेंटल वर्ड एम्पेरिकल जो है वो मीन्स करता है वो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल इसका मतलब है तजर्ब यानी तजर्बे को ये जाहिर करता है आ, इट गिव्स करेक्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड्स ये हमें करेक्ट रेशियो हमें बताता है हाँ यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें नहीं बताता जैसा कि हमने पिछले उसमें पिछले उसमें मलिकुलर फार्मूला में बताया है ये सिर्फ सिर्फ रेशियो को जाहिर करता है नॉट द एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं एम्पेरिकल फार्मूला के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज जो है वो सी एच टू ओ यानी ये जो है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है सी एच टू ओ है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन जो है वो है हमारे पास सी एच यानी मलिकुलर फार्मूला तो हमने स्टडी किया था कि वो ये है तो ये सी सिक्स एच टिक्स तो एक छः एक छः ची तो ये हमें सिर्फ तो ये एक जो है इसके साथ नहीं लिखा जा सकता ये हमें सिर्फ ये सिर्फ हमें रेशियो जो है होल नंबर रेशियो जो है होल नंबर रेशियो को एटम्स का हमें बताता है जो कि इसमें हो और एसिटाइलिन का हमें पता है एसीटाइलिन का सी टू एच टू का वो था फार्मूला था मलिकुलर फार्मूला था जो कि हमने उसमें का, का पढ़ा था मरिकुलर फार्मूला में तो इसका जो है एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास है सी एच अच्छा तो आज हमारा ये टॉपिक था मैंने बहुत कोशिश की कि आप इजी तरीके से आप समझ जाएँ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अल्लाह हाफिज़